टाटा आईपीएल 2024 आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच आज 62वां मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 को जानें। आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच 12 मई 2024 को शाम 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होंगी। पहले नंबर पर ओपनिंग करने विराट कोहली आएंगे, उनके साथ नंबर दो पर बल्लेबाजी करने के लिए फैफ डुप्लेसी आएंगे जो कि आरसीबी के कैप्टन हैं। वहीं नंबर तीन की बात की जाए तो विल जैक्स आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। उनके बाद नंबर चार पर रजत पाटीदार आएंगे। नंबर पाँच की बात की जाए तो कैमरन ग्रीन आएंगे जो कि बेस्ट ऑलराउंडर है आरसीबी के तरफ से। वहीं नंबर छः पर दिनेश कार्तिक आएंगे जो कि विकेट कीपर है आरसीबी के। नंबर सात की बात की जाए तो महिपाल लोमरोर आएंगे। वहीं नंबर आठ पर स्वप्निल सिंह आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर नौ की बात की जाए तो कर्ण शर्मा आएंगे जो कि स्पिन गेंदबाज है। नंबर दस पर मोहम्मद सिराज आएंगे जो कि आरसीबी के तेज गेंदबाज है। वहीं नंबर ग्यारह बात की जाए तो लॉकी फर्गुसन आएंगे जो कि आरसीबी के तेज गेंदबाज हैं। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यश दयाल होंगे आरसीबी के तरफ से। दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होंगी। पहले नंबर पर जैक फ्रेशर मैकगर्क ओपनिंग करने के लिए आएंगे, वहीं उनके साथ ओपनिंग का जिम्मा अभिषेक पोरेल दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से निभाते हुए नजर आएंगे। नंबर तीन की बात की जाए तो साई होप बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, उनके बाद नंबर चार पर अक्षर पटेल आएंगे जो कि बेस्ट ऑलराउंडर है डीसी के। वहीं नंबर पाँच की बात की जाए तो ऋषभ पंत आएंगे जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन और विकेट कीपर है। वहीं नंबर छः पर ट्रिस्टन स्टब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर सात की बात की जाए तो गुलबदीन नईब आएंगे। वहीं नंबर आठ पर दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव होंगे। वहीं नंबर नौ की बात की जाए तो मुकेश कुमार होंगे जो कि दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज है। नंबर दस की बात की जाए तो ईशांत शर्मा होंगे जो कि तेज गेंदबाज है दिल्ली के। वहीं नंबर ग्यारह पर खलील अहमद होंगे जो कि तेज गेंदबाज है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में राशिक सलाम होंगे दिल्ली कैपिटल्स के तरफ।